शुरू में ये था कि विकेट अच्छी इतनी सपोर्टिव नहीं थी जब नया बॉल कर रहा था, उसके बाद जैसे जैसे बॉलिंग होती रही तो स्पिनर को हेल्प मिलती रही। अगर देखा जाए तो इस तरह नहीं थी, मुल्तान वाली मुझे लग रहा है मुल्तान हो गई और ये वाली सेम विकेट थी। ये है कि यहाँ पे थोड़ा से स्पिनर को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। देखा जाए तो मैं अभी इंजरी से आया हूँ और जिस तरह परफॉर्मेंस हो रही तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि क्वेटा मेरा फर्स्ट टाइम है इनके साथ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, अगर सीनियर प्लेयर सैफी भाई के साथ बहुत क्रिकेट खेला, वो सिंध की तरफ से सऊद शकील है, तो वो लोग ले कर चलते हैं मुझे, तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। देखा जाए इंशाल्लाह मैं मिस्ट्री स्पिन के साथ साथ एक दो बोले पे और काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जब आप T20 या वनडे देखेंगे ना तो आपको वो बोले देखने को मिलेगी। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंजरी से मैं अभी वापस आया हूँ। मॉर्नी मॉर्कर के साथ मैंने इंग स्विंग पे भी काम किया था और एक ऑफ स्पिन है जिसको मज़ीद अच्छा करके इंशाल्लाह आपको देखने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह मेरा काम है मेहनत करना और अपने जो बॉलिंग स्किल को मज़ीद बेहतर करना, बाकी वो पाकिस्तान टीम डिसाइड करेगी। मेरी तो अपनी पूरी मेहनत है और इंशाल्लाह परफॉर्म करूं और परफॉर्म करके वर्ल्ड कप में अपना नाम बनाऊं। जाहिद गफ्फार साहब, अब्रार आपको मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है, तो इस मिस्ट्री के वर्ड से कितना महसूस होते हैं अगर लोग कहते हैं कि आपको मिस्ट्री स्पिनर, तो कितना अच्छा लगता है या बुरा लगता है, इसके बारे में बताएं। अब जो आपका अगला जो मैच है वो रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद के साथ है, पहला मैच आप लोग जीत गए थे तो उनका होम ग्राउंड होगा, किस तरह की परफॉर्मेंस से आपसे तवक्कुल करें? मिस्ट्री स्पिनर अच्छा लगता है क्योंकि आप सबसे यूनिक होते हो, तो वो सुन के थोड़ा अच्छा फील होता है। बाकी जहाँ तक मैच की बात रही तो इस्लामाबाद के साथ हम लोग जो पिछला मैच थे वो हम लोग जीते थे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको उनके होम ग्राउंड में आ रहा है। यार पिछले सीजन में आपको इस तरीके से चांस नहीं मिला तो थोड़ा रिग्रेट है कि अगर पिछले सीजन में चांस मिलता तो वर्ल्ड कप में एक अच्छा चांस मिलता, इस्लामाबाद में शदाब की वजह से उतना मौका नहीं मिल सका? देखा जाए तो वो उनकी जो टीम मैनेजमेंट थी वो ही डिसाइड करती थी कि स्पिनर एक ही खेलना पड़ता था और कुछ चांस मिले तो बस ठीक है, मेरे लिए उसमें भी बेहतरी होगी, मैं तो ये समझता हूँ। अब्रार इतना कंसिस्टेंट चांस पहली मरतबा आपको PSL में जैसे मिला है, तो आपने क्या टारगेट बनाया है इस दफ़ा PSL में? कोई ऐसा बैट्समैन हो जिसे टारगेट बनाया हो या कुछ विकटों की तादाद हो जिसे टारगेट बनाया हो ताकि जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी अराउंड द कॉर्नर है, तो इसके लिए आपने बहजियत खुद जहन में कुछ सोचा है? हाँ, सबसे पहला मेरा टारगेट ये है कि मैं नए बॉल से भी आउट करके दूँ और फिर मैं क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे नया बॉल मिले तो मैं नए बॉल से भी आउट करके दूँ और देन फिर मैं जो है ना बीच में भी आके अपनी टीम को अपनी बॉलिंग से जितवा सकूँ। कोशिश मेरी ये है कि नया बॉल भी करूँ और पुराना बॉल भी करूँ।